रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज क्राइम का खुलासा। एटा जिले में पुलिस ने एक वृद्ध की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के खुलासे में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी बेटे ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर महंगे मोबाइल के साथ लिए रुपए न देने पर गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी बेटे सहित उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला एटा जिले के थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव भदवास का है, जहां सत्यवान नामक युवक ने अपने सगे पिता की इसलिए हत्या कर दी थी कि उसने महंगा मोबाइल फोन खरीदने के लिए रुपए नहीं दिए थे। हम आपको बता दें कि 29 मई को राधेश्याम पुत्र वंशीधर निवासी ग्राम भदवास थाना पिलुआ जिला एटा की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव को ग्राम भदवास स्थित ईंट भट्टे के पास झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके संबंध में मृतक के बड़े पुत्र सुखवीर ने थाना पिलुआ में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। तभी से लगातार पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थी। तभी पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के छोटे बेटे सत्यवान ने ही किया। वहीं SSP उदय शंकर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी सत्यवान मृतक राधेश्याम का सबसे छोटा लड़का है। उसके अनुसार उसके पिता राधेश्याम पिछले 6 वर्षों में करीब 6 बीघा जमीन बेच चुके थे। 15 दिन पहले 1 बीघा जमीन 2,55,000 रुपयों में बेची थी, जिसे मृतक को मात्र 45,000 रुपये मिले थे, जिसमें से 7,000 रुपये उसके बड़े भाई अनिल को, 15,000 रुपये उसकी छोटी बहन सुकन्या को व 2,000 रुपये उसको दिए थे तथा 21,000 रुपये उसके पिता के पास थे। उसके बाद 25 मई को उसके पिता राधेश्याम तथा गांव के ही संदीप उर्फ भोला, विकास, विनोद तथा अजीत एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उसी दौरान उसके द्वारा अपने पिता राधेश्याम से मोबाइल खरीदने के लिए रुपए मांगने पर राधेश्याम ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात से शुभ होकर सत्यवान ने वहीं मौके पर ही राधेश्याम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा विकास ने मृतक राधेश्याम के गमछे से हाथ पैर बांध दिए और सत्यवान के कहने पर भोला उर्फ संदीप व अजीत ने मृतक के शव को एक डंडे पर लटकाकर भदवास भट्टे के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके एवज में सत्यवान ने संदीप उर्फ भोला व अजीत को 500-500 रुपए दिए थे। वहीं 29 मई को मृतक राधेश्याम के शव के बारे में जब गांव में जानकारी हुई तो सत्यवान द्वारा संदीप उर्फ भोला से 112 पर फोन कराकर यह सूचना दी कि संदीप के ताऊ का शव भदवास भट्टे के पास झाड़ियों में बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि दिनांक 25 तारीख को पिता और उनका छोटा पुत्र और पुत्र के साथी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और उसी शराब पीने के दौरान खाना खाते समय पुत्र ने पिता से कुछ पैसे की मांग की। पिता ने जो मृतक हैं उन्होंने 15 दिन पूर्व 2,55,000 रुपये की ज़मीन बेची थी और तदोपरांत उसी बात विवाद में जो सबसे छोटा लड़का था सत्यभान नामक जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त है उसने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके गांव के रहने वाले साथी जो साथ में बैठ के शराब पी रहे थे उसी के घर में उन्होंने मिलकर इनकी डेड बॉडी को गुप्त स्थान पर घर से करीब 500 मीटर दूर ले जाकर डाल दिया। जब 4 दिन बाद इनको कुछ लगा कि अब घटना को दूसरे ढंग से गुमराह कर दिया जाए तो इसी मुख्य अभियुक्त ने अपने एक साथी की मदद से पुलिस को डेड बॉडी पड़े होने की सूचना भी कराई और फिर घटना के कुछ क्रम से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने टीम बनाकर इंस्पेक्टर पिलुआ के नेतृत्व में गहराई से इसमें छानबीन करना प्रारंभ किया तो ज्ञात हुआ कि पिता ने अपनी एक बेटी को 15,000 रुपये दिए थे, अपने दूसरे नंबर के बेटे को 7,000 रुपये दिए थे और अपने तीसरे नंबर के बेटे को 2,000 रुपये दिए थे और इन्हीं कम पैसों के कारण बेटे ने पिता से झगड़ा किया और एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए पिता से मांगे जा रहे पैसों के कारण इस लड़के ने बड़े निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी और अपने साथियों को केवल एक एक क्वार्टर
शराब पिलाने का लालच देकर उनकी डेड बॉडी को उठाकर वहां से अज्ञात स्थान पर छिपाने में अपना सहयोग लिया इस घटना को अंजाम देने में। इस प्रकार से इस घटना में शामिल समस्त 5 अभियुक्त, 1 मुख्य आरोपी और 4 सह अभियुक्त जिन्होंने लाश को छिपाने का काम में मदद करने का काम किया है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के उपरांत उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, मुख्य वजह जो है इसमें पैसे की, कितना पैसा ये चाह रहा था, ये कितना लीटा इनका जो है क्या? इसमें बेटे की इच्छा ये थी कि उसको शेष पैसे 2,55,000 रुपये में जमीन बिकी थी। जी, छोटा बेटा ये चाहता था कि उसको पैसे दिए जाएं जिससे वो मोटरसाइकिल और महंगा मोबाइल फ़ोन खरीद सके। अभी हत्या का जो तत्काल कारण पूछताछ से प्रकाश में आया वो ये है कि एक महंगा मोबाइल फ़ोन उस बेटे को खरीदना था और उस मोबाइल फ़ोन के पैसा मृतक नहीं देना चाह रहा था, इस कारण उस वाद विवाद में इसने अपने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी।